हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एसके वर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज एक नई प्रश्नावली के बारे में। और प्रश्नावली का नाम आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, प्रश्नावली का नाम है चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज इंग्लिश में हम इसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इसे हम सीआई भी बोल सकते हैं। तो सीआई प्रश्नावली है और हमने एक नया पैटर्न शुरू किया है जो इस वीडियो से हम फॉलो करने वाले हैं। आपको पूरी प्रश्नावली जीरो टू हीरो लेके चलेंगे हम, जीरो टू हीरो मतलब बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं आपको, और बिल्कुल जीरो से हाई तक लेके जाएंगे, बिल्कुल बॉटम से लेके जाएंगे अब तक आपको। तो जो भी स्टूडेंट जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती है तो बिल्कुल निश्चित हो गया, हमारी वीडियो देखिए, आपको कंप्लीट ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर एक, 1000 रुपये का 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको कुछ बेसिक बातें आनी चाहिए। वो बेसिक बातें क्या है देखिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए हमें पता होना चाहिए कि चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र जो है वो क्या है। चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है, चक्रवर्ती ब्याज, तो चक्रवर्ती ब्याज का जो नॉर्मली सूत्र हम करते हैं, मूलधन 1+ में दर बटा में 100 और घात समय और माइनस मूलधन, ये हम चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करने का हमारा ये फॉर्मूला है, सूत्र है, हम इससे सवाल कर सकते हैं। और चक्रवर्ती मिश्र धन अगर आपको ज्ञात करना है, चक्रवर्ती मिश्र धन ज्ञात करना है, मिश्र धन, तो इसी सूत्र को लिख दीजिए, मूलधन 1+ दर बटा में 100 और जो घात है वो समय आएगा और माइनस मूलधन नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। ये चक्रवर्ती मिश्र धन का सूत्र है और हम ये कह रहे हैं 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है मतलब इस सूत्र का इस्तेमाल करना है। तो हम आपको दोनों चीज़ें सिखाने वाले हैं, आपको ट्रिक भी सिखाएंगे और ये जो चीज़ है ये कॉन्सेप्ट है, ये जो चीज़ है ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो मिश्र धन का ये सूत्र है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मिश्र धन जो होता है ना, मिश्र धन होता है वो जोड़ होता है मूलधन और ब्याज का। मूलधन और ब्याज जोड़ दें तो मिश्र धन बनता है, मूलधन और ब्याज जोड़ दें तो क्या बनता है, मिश्र धन बनता है। तो हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन निकालना है तो मूलधन कितना है, रुपये 1000 का, 1000 मूलधन है 1000 का, और 1+ दर कितनी है, 10% वार्षिक दर से 10/100 और घात समय कितना है, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। देखिए टाइप नंबर एक में ना, टाइप नंबर एक की पहचान बता देता हूँ। हमें जो दर है वो शर्त जो भी है वो वार्षिक दी है, शर्त जो है वो कौन सी दी है, वार्षिक दी है। और जब शर्त वार्षिक होता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता, नो चेंज, कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी। जब टाइप दो करेंगे वहाँ हम अर्धवार्षिक शर्त लेके चलेंगे, अर्धवार्षिक 6 माही बोलते हैं जिसे, 6 माही। और फिर अलग टाइप आएगा, त्रैमासिक शर्त होगी और मासिक शर्तें होंगी। तो फिलहाल यहाँ देखिए किस तरह से करना है, हमें शर्त जो है वार्षिक दी है, शर्त क्या दी है, वार्षिक दी है, या कोई चर्चा नहीं की तो वार्षिक है, कोई चर्चा नहीं की तो भी क्या है, वार्षिक है। तो मूलधन 1000 रुपये है और दर 10% है, तो इस तरह से लिखोगे यहाँ, तो 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 और 10 कितना आ जाएगा, 110, 110/100 और घात कितनी है, 2 है, और इसको जब करेंगे कितना आएगा, 1000 × 2 है तो 110/100 और 110/100, 2 0 से 2 0 और कितना आ जाएगा, 11 का 11 से गुणा करेंगे, 121 और 10, 1210। ये अपना चक्रवर्ती मिश्र धन आ गया, क्या चीज़ आ गया, चक्रवर्ती मिश्र धन आपका आ गया ये, ठीक है जी, चक्रवर्ती मिश्र धन। अब देखिए आपको जो ध्यान देना है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब हम इस तरह के सवाल करते हैं, जब मतलब इस सूत्र को हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इतनी लंबी प्रोसेस करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, हम अगर लगातार करने लग जाएं
तो हम कुछ इस तरह से लिख कर सकते हैं। देखिए ये एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ। हाँ जी देखिए, आपको ये दिया हुआ है चक्रवर्ती मिश्र दर निकालना है, बराबर मूलधन कितना है 1000 रुपये, मूलधन कितना है 1000। और आपको पता है दर जो शर्त वार्षिक है कुछ भी नहीं दिया, अर्धवार्षिक त्रैमासिक कुछ नहीं दिया, तो शर्त वार्षिक है और अब हमें दिए क्या है, दर जो दी है 10% दी है, तो आप डायरेक्ट 110 लिख लो, 110 लिख लो, आपको टाइम बचेगा। और कितने टाइम की बात है, 2 वर्ष की बात है, तो आप 2 बारी 110/100 लिख लो, 2 0 2 0 काटो, सॉरी 2 0 से ऊपर वाली 2 0 काटो, फिर 2 0 से ऊपर वाली 2 0 काटो, 11 11 से गुणा करेंगे 121 और ये 0, 12 10 हमारा आंसर आ जाएगा। थोड़ी प्रोसेस क्या होगी, छोटी होगी। ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो क्या है, कॉन्सेप्ट है। अब इसी सवाल को हम ट्रिक से करेंगे। देखिए जो ट्रिक है वो क्या चीज़ है उसको देखिएगा, इसी सवाल को ट्रिक से करेंगे। तो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, तो हम एक ट्रिक आपको बता देते हैं। एक ट्रिक है, अगर 2 वर्ष की बात करें तो 2 1 की ट्रिक है, 2 1 की। अगर 3 वर्ष की बात करें तो 3 3 1 की ट्रिक है, वो बताता रहूँगा मैं आपको। फिलहाल हमारा 2 वर्ष की बात हो रही है, हमारे सवाल में कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है, हमें सवाल में दिया हुआ है सामने 2 वर्ष। तो 2 वर्ष की अगर बात हो रही है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2 और यहाँ हम लिखेंगे 1, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 1000 रुपये दिया हुआ, कितना है 1000 और 10 10%, तो 1000 का 10% निकलोगे, 1000 का 10% निकालोगे तो 1000 का 10% हो गया 100 100। अब 100 आगे ले जाओगे यहाँ, फिर 100 का 10% निकाल दो, 100 का 10% निकाल दो, तो 100 का 10% निकालेंगे कितना आएगा 10। और अब कर दो मल्टीप्लाई, अब कर दो मल्टीप्लाई, 100 को 2 से गुणा करेंगे 200, और 10 को 1 से गुणा करेंगे 10, तो ये हो गया आपका टोटल 210 210। ये तो इंटरेस्ट आ गया, ये तो क्या आ गया, चक्रवर्ती ब्याज आ गया, इंटरेस्ट आ गया। और हमें मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन पूछा है हमें, 2 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ये रहा, तो मिश्र धन ज्ञात करना है तो आपको मूलधन और ब्याज जोड़ना पड़ेगा। मूलधन 1000 रुपये है, मूलधन 1000 रुपये है, मूलधन 1000 रुपये है, और दर जो है 210 है, तो टोटल बन गया 1210 1210। देखिए जो बच्चे पहली बार कर रहे हैं उनको थोड़ा नया लग रहा है, बाकी आप आराम से कर पाओगे। दोनों चीज़ें करवा दी आपको, ऊपर आपको कंसेप्ट करवा दिया और ये आपको ट्रिक करवा दी। एक दो सवाल और करेंगे तो आप समझ पाओगे कैसे करनी है। चलिए अगला सवाल देखिए, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, नेक्स्ट वाल। रुपये 2250 का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, और ये आपको दिया हुआ है। आप कॉन्सेप्ट करना चाहो तो कॉन्सेप्ट कर सकते हो, और 3 की ट्रिक मैं बता देता हूँ, 3 3 1 होती है, 3 3 1, और वही प्रोसेस करनी है 3 के लिए। और इसमें देखिए कोई भी जो शर्त है ना, वो शर्त जरूर देखिएगा। पहले टाइप में शर्त वार्षिक है, पहले टाइप की जो भी सवाल कर रहे हैं उनमें शर्त वार्षिक है, तो यहाँ साफ दिख रहा है कोई भी शर्त की बात नहीं कर रहा, तो वार्षिक है। और यहाँ हम ध्यान रखना है कोई भी चीज़ें मतलब चेंज नहीं करेंगे, नो चेंज। अर्धवार्षिक होगी ना, वहाँ तो दर आदि समय दुगुना वगैरह वगैरह जो भी होगा, त्रैमासिक में कुछ अलग होगा, मासिक में अलग होगा, तो वार्षिक है तो नो चेंज। तो ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, तो ये ट्रिक अप्लाई करके देखो आप, आपके पास टाइम है, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ इतनी देर, आप करके देखो। हाँ कीजिए, जल्दी कीजिए। 2250 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से चक्रवर्ती ब्याज आपको ज्ञात करना है, और चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, ध्यान रखिएगा, आपको मिश्र धन नहीं पूछा, ये भी ध्यान रखिएगा आप अच्छे से। कीजिए कीजिए, मैं आपको आपका ही वेट कर रहा हूँ, जल्दी कीजिए। हाँ जी स्पीड से करके आंसर कमेंट कर सकते हो आप, आपका जो भी आंसर है। हाँ भी आपके जो भी आंसर है वो कमेंट कर सकते हो आप, स्क्रीन पर आपको पसंद नहीं दिखाई दे रहा, चलिए लो ये लो जी, स्क्रीन पर पसंद दिखाई दे रहा है आपको। चलिए मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट, अगर करोगे तो आप
देखिए कॉन्सेप्ट करोगे तो वही सूत्र लगाओ, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय, और माइनस मूलधन आएगा, ध्यान रखिएगा माइनस मूलधन भी आएगा। और इस बार मैं ना आपको ध्यान रखिएगा, मैं तो डायरेक्ट आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं करवा रहा, आपको मैं ट्रिक करवा रहा हूँ, तो आप अगर करना चाहो तो कॉन्सेप्ट कर सकते हो। आपकी इच्छा है, ट्रिक करें तो तीन तीन एक की ट्रिक लगेगी, तीन तीन और एक, और वैसे लगानी है जैसे दो वाली लगाई थी। तो तीन तीन एक की ट्रिक कैसे, 2250 का 10%, 2250 का 10%, तो ये आ गया कितना 225, और फिर 225 का, इसको आगे लेके जाना है, 225 का 10%, 225 का 10%, 0 0 काट के 0 काट के पॉइंट लगा दो, 22.5, और फिर इसका 22.5 का 10%, 0 काट दो, 0 काट के ये दशमलव इधर आ जाएगा 2.25। चलिए अब आपको मल्टीप्लाई करना है, देखिए आपको मल्टीप्लाई ऊपर वाला से करना है, कीजिए तो 5 3 15 81, 6 और 1 7 6, इसको कीजिए 5 3 15 81, 6 और 1 7 6, और ये इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.25 आ जाएगा, 2.25 आ जाएगा। अब इनको जोड़ ऐड कर लीजिए सभी को, 675, 67.5, 2.25, 5 7 12 13 14 14 और 6 1 7 744.75, देखिए ऑप्शन में कहाँ है, 744.75, 744.75 ऑप्शन नंबर से आ जाएगा, 744.75। हाँ जी देखिए कितने बच्चों का सही है, चेक कीजिए। आप कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी यही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए आज से पैटर्न बदला है मैंने, आपको एक ही टाइप के 5 सवाल करवाएंगे हम, एक ही टाइप के, पहले टाइप के मतलब एक जैसे सवाल, 5 सवाल तक ही आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो पहला टाइप चल रहा है, और पहला टाइप यही है, शर्त जो है पहले टाइप की कंडीशन ये शर्त वार्षिक है। अगला टाइप करेंगे उसमें अर्धवार्षिक करेंगे, फिर उसके बाद त्रैमासिक करेंगे। चलिए ये लो स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न है, कीजिए प्रश्न। ₹200 का 2 वर्ष का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और ऑप्शन आपके सामने। चलिए कीजिए फटाफट करके कमेंट कीजिए क्या कुछ आएगा, और मैं तो चाहूँगा ट्रिक ही यूज करें। जो बच्चे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट करना चाहें तो कर सकते हो, मना नहीं है। हाँ जी फटाफट कमेंट कीजिए, जो भी है ट्रिक यूज कीजिए। जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले तो ये लगाते रहो, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो कॉन्सेप्ट वाले तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाओ, मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घात समय माइनस मूलधन। और जो ट्रिक करना है तो कौन, कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 वर्ष की बात हो रही है, 2 1 की ट्रिक लगा दो। 2 वर्ष के लिए ट्रिक जो है 2,1, और 3 वर्ष के लिए मैंने आपको बताई है 3 3 1, 4 का 1 तब 4 का बता देंगे, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, 4 का भी बता देंगे। तो 2 1 वाली करके दिखाएं, ज़्यादा बड़ा नहीं था ये, तो बहुत छोटा है यार, ट्रिक से करवा रहा हूँ। हाँ जी कमेंट करते रहिए, अपना उत्तर कमेंट करते रहिए और मिलाते रहो, मैं भी कर रहा हूँ आप अपना करें। 2 1, 200 का 10%, 200 का 10% करने की जरूरत नहीं है यार, आप मतलब सीधा कैलकुलेट करोगे तो अभी 20 आ जाएगा, 200 का 10%। कीजिए कीजिए। हाँ जी एक सेकंड मैं करवा रहा हूँ आपको, 1 मिनट आप कीजिए, खुद कीजिए। देखिए यहाँ पर 20 आ चुका है, अब 20 का आप कर लीजिए, 20 का 10% कर लीजिए, तो बस 20 का 10% करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वही सेम मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 20, इस 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 40, और ये 2 आ जाएगा। सही तो कर रहे हैं ना, और कुछ रहा तो नहीं ना। अब देखिए इसको जोड़ दीजिए, 40 और 2 कितना हो गया, 42।
42, ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अगर हमें मिश्रधन पूछता अगर सवाल में, तो 200 ऐड कर देते, 200 ऐड कर देते, 200 प्लस 42 कितना होता, 242, ये हमारा अमाउंट आ जाता, मिश्रधन आ जाता। फिलहाल हमें पूछा नहीं है, हमें सिर्फ पूछा चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमारा ऑप्शन नंबर से आ जाएगा, बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर से 42। चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है, जल्दी से करके बताइए। रुपये 6,750 का ये जो लिखा हुआ ना, ये इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा प्रिंट में यहाँ तो सही नहीं हो पा रहा था, तो 6 सही 2/3 है, ये 6 सही 2/3% है ये। वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो कॉन्सेप्ट करना चाहो तो कॉन्सेप्ट करो, नहीं तो ट्रिक करके दिखाओ। तीन वाली ट्रिक आपको मैं बता ही देता हूँ, तीन की जो ट्रिक है 3 3 1, 2 की जो ट्रिक थी 2 1, 4 की 5 की ट्रिक आगे जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम बता देंगे आपको, तो फिलहाल करके दिखाइए, वेट कर रहा हूँ, मैं आपको ही देख रहा हूँ, जल्दी कीजिए। हाँ जी फटाफट स्क्रीन पर आपके सामने है ये प्रश्न, जल्दी से कीजिए। 3 3 1, आप अपना कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, साथ में थोड़ा चेक करते रहिएगा, मैं भी कोशिश करूँ, पर मैं अभी आराम से करवाऊँगा, पहले खुद कीजिए। 3 का फॉर्मेट इस तरह का बनाइएगा, 3 3 1, चलिए करिए, करते रहिए। हाँ जी कमेंट कीजिए, अपना उत्तर होने के बाद कमेंट कीजिए, कमेंट नहीं कर रहे आप लोग, कमेंट कीजिए। हाँ जी इसको थोड़ा सरल कर लो, 6 3 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20 20/3, 20/3 से आराम से हो जाएगा। एक रकम बता देता हूँ आपको, 6,750, और इसका 20/3% निकालोगे, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 3 से कटिंग करेंगे, 3 2 6 3 2 6, 3 5 15, और ये आ जाएगा 5 2 10, 4 और 1 5, 2 2 4, 450 आ जाएगा, 450 यहाँ ले जाइए, 450 का 20/3 करो, 2 0 से 2 0, 3 से काटें 15, 15 3 45 होता है, और 15 2 30 आ गया, ठीक है, और कीजिए 30 को आगे ले जाइए, फिर 30 का वही मल्टीप्लाई तो उसी से कर रहे हैं, 20/3 से, 20/3% हटाएंगे बटा में 100, 2 0 2 0 काट दो, 3 से 3 कट गया, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब कई बच्चे यहाँ से जाके कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, यहाँ जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना कर दो, 450 का 3 से गुणा करो, 0 15 12 1 13, 30 30 90, और 2 1 2, इसको जोड़ दो, जोड़ते ही आपका सी आई आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ो कितना आ गया, 2 आ गया, 9 और 5 14, और 13 और 1 14, 1442, ये तो आपका आ गया सी आई चक्रवर्ती ब्याज। देखो यही पूछा गया, चक्रवर्ती ब्याज ही पूछे, ये पूछा है, ऑप्शन नंबर ए आ गया 1442, यही आ रहा है, चेक करके देखो आपका क्या आ रहा है, आप कमेंट करके बताओ मेरे को जल्दी से। अच्छा इस सवाल में अगर चक्रवर्ती ब्याज की बजाय यहाँ लिखा होता चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात करो, चक्रवर्ती मिश्रधन ज्ञात करो, तो अब आप क्या करते हैं, कुछ नहीं करना, इतना करने के बाद जोड़ देते, 6,750 में वही जोड़ देते, कितना उत्तर आया था, 1442 जोड़ देते, ये जोड़ देते तो कितना था, इतना था क्या, सही है, 2 5 4 9 7 4 11, 7 और 1 8, 8,192, ये आपका क्या आ जाता, मिश्रधन आ जाता। चलिए अगला प्रश्न कमेंट कीजिए साथ साथ में, अगला प्रश्न आज हम सी आई कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज से कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसका पहला टाइप कर रहे हैं टाइप वन, और टाइप वन में आज हम 5 सवाल के आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और बिल्कुल बेसिक टू बेसिक बैच है, 0 टू हीरो बैच है, 0 टू हीरो, यानी जिसको बिल्कुल नहीं आती उनको आराम से सिखाएंगे हम। प्रश्न देखिए क्या है, 45,000 रुपये पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवर्ती ब्याज उपचित होगा, ये तो यार आपके लिए चुटकियों का खेल है, बस दशमलव में आ गया, घबराइएगा मत, फटाफट करके दिखाइए, कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए, ट्रिक यूज कीजिए, 2 1 ट्रिक लगाइए, करो फटाफट। और देखिए टाइप नंबर एक है, टाइप नंबर एक में मतलब शर्त पता है ना, वार्षिक, वार्षिक देखो वार्षिक है सारे सवाल, यानी नो चेंज, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, ना दर चेंज हो रही और ना ही
ना ही दर चेंज हो रही और ना ही समय चेंज हो रहा। जल्दी कीजिए, दो एक करो करो, वेट करो। हाँ जी, कर लिया। करो करो, चलो करो जल्दी, मेरे साथ ही करो, मैं भी कर रहा हूँ। सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मेट है, दो एक फॉर्मेट बनाओ। अरे यार, लाइन से ही कर लेते हैं। हाँ जी, सिंपल से इस तरह से एक लाइन खींचो और यहाँ लिखो दो, यहाँ लिखो एक। कितना है? 45,000। 45,000 का कितना परसेंट है? 15%। 2 0 से 2 0 काट दो, 0 15 5 75, 80 7 15 4 60, 60 और 7 6,750। 6,750 इतना ही आ रहा क्या? इतना आ रहा है। इसको आगे ले चलो, इसको आगे ले चलो, 6,750। और इसका कितना परसेंट आ गया? इसका 15%। 1 0 से 1 0 काट दो, 5 3 15 5 2 10। अब एक काम करो, देखो एक इजी तरीका था, मैं इसको दोबारा कर रहा हूँ, क्योंकि 2 का भाग देंगे खुद ज़्यादा टिपिकल बना लेंगे। इससे अच्छा दशमलव भी लगा लो, 6,750 गुणा 15% है 15%, मतलब 0। ठीक है, इसको यहाँ पूछना था, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, और वैसे तो देखो आप छोटा हो जाता वो, अगर वो तरीका करते। यहाँ आप एक पास एक तरीका, 0 काट गया, पॉइंट लगा लो, फिर गुणा कर दो। ये सही है यार, गुणा करने मुझे 5 2 10 और 5 3 15, गुणा कर लो, 3 से गुणा करो पहले, 5 3 15 हासिल 1 21 और 1 22, 18 और 2 20, और इसमें 2 का भाग दो, 2 1 2 0, 2 1 2 2 3 4 2 5 10, 10 12 10 12.5, 10 12.5। अब आपको क्या करना है ये इससे आगे? बस यहाँ स्टूडेंट थोड़ा बहुत नया स्टूडेंट यहाँ अटकता है एक बार, या आपको मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाले से, 0 5 2 10, 14 1 15 और 12 1 13, 13 500, 13 500, और इधर एक से ये तो सेम ही आ जाएगा, और अब जोड़ दो, 13 500, ये 1012.5, इसको करोगे तो 0.5 आ गया, 21541, 14 512.5। देखो चेक करो, 14 512.5 कहीं है क्या? 14 कहीं नहीं दिया हुआ। क्या पूछा था? चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा था, 14 512। यहाँ तो ऑप्शन ही बहुत छोटे दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन ऐसा तो नहीं है पिछले सवाल वाले ऑप्शन ही उठा लिए हमने, नहीं अलग ऑप्शन दिए हुए, पर ऑप्शन है नहीं तो इनमें से कोई नहीं, ये आ जाएगा उत्तर सही है, 14 512। 14 512 बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 14 512, तो आपके पास यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नन ऑफ दीज। हमें चक्रवर्ती ब्याज पूछा था, इतना आ चुका है, 14 512.5। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे आज के सवाल, उम्मीद तो ऐसे ही करते हैं कि आपको आए हों, क्योंकि आज हमने एक नई प्रश्नावली शुरू की है। प्रश्नावली का नाम चक्रवर्ती ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट CI, और आज हम बिल्कुल बेसिक से लेके चलें आपको, हम ये लेके चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, 0 to Hero बैच है ये, तो आपको बिल्कुल 0 से लेके Hero बनाएंगे। और CIE प्रश्नावली कंपाउंड इंटरेस्ट एक हार्ड प्रश्नावली बोला जाता है, और पहला टाइप किया आज हमने, और आज हमने प्रैक्टिस का एक नया तरीका निकाला कि हम अलग अलग टाइप के आपको 5 5 सवाल करवाएंगे। तो टाइप ए के 5 सवाल आपको करवाएं, कॉन्सेप्ट भी करवाया, ट्रिक भी करवाइए, तो आप वीडियो में लगातार ये देख पा रहे हो। अभी तक हमने कोई भी सवाल ना 4 की ट्रिक का नहीं किया और ना ही 5 की ट्रिक की है, वो आगे आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, बेल आइकन दबाने से आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट अन्य वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।